लंदन आके कैसा लग रहा है? लंदन आके बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेशन है। अच्छा ये बताओ कि मैं आए हुए तकरीबन 12-8 घंटे हो गए, बट 100 बात की एक बात, अजीज अंकल कहाँ हैं? हमें मी भी लंदन ब्रिज पे मिले। पता ही क्या सीन है, अजीज अंकल दो दिन से हम सबको मिलके नहीं, ठीक है, कोई टॉपिक और कुछ नहीं, आ रहे हैं वो, आ रहे हैं ठीक है, और स्टिल दो दिन तक वो नहीं आया, लेकिन वो रहते लंदन में ही है। हम हैनोवर से फ्रैंकफर्ट से लंदन आ गए, लेकिन अजीज अंकल लंदन से लंदन नहीं आ सकते। इब्राहिम की टॉपिक करा रहे हैं अजीज अंकल, इब्राहिम ये वीडियो आपको शेयर करेगा और आपकी इम्पोर्टेंस बताएगा आपको कि आपकी इम्पोर्टेंस कितनी है। आप लंदन में होके लंदन नहीं आ रहे हैं। अजीज अंकल इज वेरी बिजी। जहाज़ों के संबंध में बहुत सारा लगा चुके हैं और इस वक्त हम ब्रिटिश एयरलाइन की तरफ जा रहे हैं, एंड हियर वी आर, यहाँ से हमने ली एंट्री और एग्जिट होगी सीधा लंदन। क्या मैं जा यस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी ब्रिटिश एयरवेज है, लंदन है, अभी तो हम फ्रैंकफर्ट में हैं। नहीं अभी तो फ्रैंकफर्ट में है, बट आर यू एक्साइटेड फॉर लंदन? यस ऑफ कोर्स। अनाउंसमेंट या अच्छा तो अब बताओ हम कहाँ पे हैं? ऐसा लंदन? ओ यार आई कांट बिलीव दैट आई एम इन लंदन। ओ मैन लंदन पहुंच गए? हां लड़के पहुंच गए। कैसा फील हो रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है? न्यू फीलिंग आ रही है। Your first English call के अंदर अच्छा लग रहा है। हमें English सुन के मतलब हैरानी होती है यार। ओए जर्मन से आए लोगों का ये हाल होता है। Traveling is the thing which leaves you speechless, but it will turn you, definitely it will turn you to the storyteller. Am I right? लंदन की प्लानिंग तो हो चुकी है कंप्लीट, मैप पे हमने जगह भी मार्क कर ली कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, तो वेट कर रहे हैं बाकी दो बंदों का, वो आए तो देखते हैं लंदन ऐसे की नज़र से। यार जहाँ पे इंग्लिश बोलते देखते हम क्या कहते हैं। इस वक्त हम लोग हैं लंदन आई पे और बहुत लंबी कतार लगी हुई है, इंतजार कर रहे हैं, जैसे कतार खत्म होती है तो सी यू देन लंदन आई की टॉप पे, क्योंकि जब लंदन आए और लंदन आई पे ना बैठे तो लंदन आई की। I'm mesmerized.
scheiße Typ, weil er ist so warm, kein Klima. Und jetzt fahren wir nach London Bridge, Brücke, London Brücke auf Deutsch. Und da haben wir einen Blogger, der würde ein Video machen, er zeigt euch so, mach ich so. Was das? इब्राहिम के पास एक बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है लंदन ब्रिज के हवाले से जो कि हम अपडेट करना चाहेंगे अपने चैनल से. सो इब्राहिम बता दो क्या इंफॉर्मेशन है लंदन ब्रिज के हवाले से. यार इंफॉर्मेशन ये है ना कि अभी जाके नहीं जो ऑफ कैमरा बोला है वो इनका इन कैमरा बोला ना ऑफ कैमरा. अच्छा, कुछ और बोलते हो. अच्छा, इन कैमरा कुछ और बोलते. ये नवान है ये कैमरे के सामने आके नहीं जो कहते हैं हेलो गाइस वी आर हियर वी आर डूइंग दैट वी आर डूइंग दैट. यहां पे क्या कुछ कर रहा होता है यार. यू जान दो. ओके ये देखो इसको ये देखो जिन्नात चढ़ गए हैं इसको बंदे को. So guys, लंदन की सड़कों पर अभी हम लोग जा रहे हैं लंदन ब्रिज की साइड और होपफुली वहाँ पे व्लॉगिंग का एंड करेंगे. Okay guys, so the last place, पीछे जो जगह दिख रही है that side, वो जानी पहचानी जगह तो होगी. Yes, this one, that one, classy. So this is called London Bridge और रात का view is literally awesome. और इसी के साथ साथ ये वाला view भी worth it है. It reminds me of New York. So ये 360 view है London Bridge का. And such a peaceful place. और इसी के साथ इसी जगह से अब इसी व्लॉग का इख्तिताम करते हैं. So guys, catch you guys in the next vlog. Subscribe करें, like करें, share करें अगर तो वीडियो पसंद आ रही है and support करें. See you then. Hey guys. So guys, where we are right now? हम अभी एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे खड़े हुए लंदन के जहाँ पे हमारे पास आई गेस 1, 2, 3 मेन अट्रैक्शन है. ठीक है और पहला अट्रैक्शन एग्जैक्टली पीछे है जिसको हम कहते हैं पहचान गए होंगे. दिस इज लंदन आई. लंदन आई दूसरा अट्रैक्शन एग्जैक्टली इस साइड पे है. एंड इब्राहिम दैट वन इज वेस्टमिंस्टर. वेस्टमिंस्टर इज दैट साइड. दिस इज अ बिग बैंग. दैट वन इज अ बिग बैंग. But now, right? Yeah, that tower. The tower is a big bang. And then on पीछे की साइड जो कि बहुत छोटा है वहाँ पे जाएंगे अभी और वो है Westminster. इब्राहिम तुम्हें क्या याद करवाया था? मेरा इसने ले लिया. याद तुम लोगों को बिग बैंग बनाया था. मेरा बोल दिया. Okay.